नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ विशाखा। दोस्तों, आपने सेवे की खीर को बहुत पसंद किया तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ आम सेवे की खीर की रेसिपी शेयर करूँ। अभी आम का सीजन चल रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस है। तो ये खीर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसे आप पहले नोट डाउन कर ले। तो सबसे पहले हम दूध को उबालने के लिए रखते हैं। तो पहले हम ना बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे दूध है वो तले से जलेगा नहीं। अब 750 ml यानी पाउंड लीटर इतना दूध डालेंगे और इसमें एक दो बार उबाल आने देंगे। देखिए, दूध में उबाल आया है तो चूल्हे को कर लेते हैं बंद और इसे हम एक तरफ रखेंगे। अब कढ़ाई लेते हैं, उसमें हम 2 चम्मच इतना घी डालेंगे। घी में हम काजू और किशमिश को फ्राई करने वाले हैं तो सबसे पहले हम काजू के टुकड़े डालेंगे और हल्का फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़े से किशमिश भी डालेंगे, तो ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि किशमिश है वो हल्के फूल नहीं जाते हैं तब तक। फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। कुछ ही मिनटों में काजू और किशमिश फ्राई हुए हैं तो इन्हें हम निकाल कर साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में जो थोड़ी सी घी बची है उसी में अब हम इसमें 100 ग्राम यानी आधा कप इतना भुनी हुई सेवैया डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी ही सेवैया ली है। 3 से 4 मिनटों तक इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सेवैया जल्दी फ्राई हो जाती है तो इसे आपको धीमी आंच पर रखकर ही फ्राई करना है, अदरवाइज ये जल सकती है। थोड़ी देर के बाद इसका कलर चेंज हुआ है तो ये अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम केयरफुली थोड़ा थोड़ा करके गर्म दूध डालेंगे। और अच्छी तरह से मिलाएंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि सेवैया है वो हल्की गल नहीं जाती है और दूध है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं होता है तब तक। तो बीच बीच में इसे हम स्टर करते रहेंगे ताकि ये तले से जले नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दूध की क्वांटिटी ज़्यादा ली है क्योंकि खीर ठंडी भी हो जाएगी ना, तभी ये खीर गाढ़ी नहीं बनेगी। अगर आपको गाढ़ी खीर बनाना है तो इसमें आप सिर्फ 1/2 लीटर इतना ही दूध का इस्तेमाल करें। देखिए, थोड़ी देर के बाद सेवैया अच्छे से पक गई है तो अब इसमें हम 100 ग्राम यानी 1/2 कप इतनी चीनी डालेंगे। तो याद रखिए, सेवैया गल जाने के बाद ही आपको चीनी डालना है। 15 से 20 केसर के धागों को मैंने दूध में भिगो के रखा था तो ये केसर डालेंगे हम। वैसे केसर डालना ऑप्शनल है, बट इससे एक अच्छा सा अरोमा आता है और कलर भी आता है। और कुछ महीन कटे हुए बादाम और पिस्ता भी डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए, खीर रेडी है तो लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। फ्राई किए हुए काजू और किशमिश है वो भी डालेंगे और थोड़े से बचा के रखेंगे गार्निशिंग करने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर हम आम और सेवे की खीर बनाने वाले हैं तो लास्ट में ना हम इसमें 1/2 कप इतने मैंगो के पीसेस डालेंगे। तो अल्फांसो मैंगो को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, वो डालेंगे। आम के पीसेस डालने के बाद ना हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी डिलीशियस मैंगो सेवे की खीर रेडी है, इसे हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम फ्राई किए हुए काजू और किशमिश और मैंगो के पीसेस से गार्निश करेंगे। इस खीर को आप ठंडा सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा ही, तो बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप घर का खाइएगा और अपना ख्याल रखें।